सो ही व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टेकी बाइक्स यूट्यूब चैनल। और गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के एप्स के कुछ अल्टरनेटिव एप्स के बारे में। गाइस ये एप जो है इंडियन भी हो सकते हैं और नॉन चाइनीज एप्स भी हो सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, इस वीडियो में आप सभी को मैं यही बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अभी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे फोन में जो है इंडियन से ज्यादा चाइनीज एप्स वगैरह भरे रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए, जैसा कि अभी यहाँ पे बायकॉट चाइना एप्स और बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक चल रहा है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में यही आप सभी को बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे एप्स में जो बताने वाला हूँ, तो मैं चाइनीज एप्स के अल्टरनेटिव बताऊंगा और जो अल्टरनेटिव आप सभी को बताने वाला हूँ वो इंडियन एप्स भी हो सकते हैं और नॉन चाइनीज एप्स भी हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं कुछ ऐसे एप्स बताऊंगा जो मतलब नॉन इंडियन एप्स हैं, आप उसको मैं उसके इंडियन एप्स अल्टरनेटिव बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे पहला ऐप जो मैं शुरुआत करता हूँ वो यहाँ पे टिकटॉक। तो गाइस टिकटॉक का अल्टरनेटिव आप यहाँ पे ले सकते हैं रुपोजो इंडियन ऐप को। तो गाइस यहाँ पे रुपोजो एक ऐप है जहाँ पे आप जो है शॉर्ट वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पे आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ लाइकी वगैरह को छोड़ दीजिए, बाकी ऐप्स आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो गाइस अगली कैटेगरी पे आते हैं। तो गाइस यहाँ पे आती है जो है शेयरिंग कैटेगरी। फाइल शेयरिंग कैटेगरी में आप सभी जो है जेंडर या शेयरिट वगैरह जैसे एप्स को यूज जरूर करते होंगे। तो गाइस यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव के लिए हम ले सकते हैं जियो से एप्लीकेशन। तो गाइस यहाँ पे जियो स्विच एप्लीकेशन से आप यहाँ पे अपना फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे गूगल फाइल्स भी ले सकते हैं, वहां से भी आप फाइल वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस जाते हैं अपने अगले कैटेगरी में। तो गाइस यहाँ पे फोटो एडिटिंग कैटेगरी में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को जो है चाइनीज एप्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्यूटी प्लस ऐप या आप सभी को B612 मिल जाएगा एप्लीकेशन ऐसी तरीके की। लेकिन अगर इसका अल्टरनेटिव की बात करें तो आप सभी यहाँ पे जो है पिक्सल ऐप ले सकते हैं इसका अल्टरनेटिव, या आप सभी यहाँ पे पिक्सआर्ट जो बेस्ट है मतलब वर्ल्ड का बेस्ट जो है एडिटिंग ऐप है तो आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग कैटेगरी के बारे में। तो वीडियो एडिटिंग कैटेगरी में आप सभी को पावर डायरेक्टर और यहाँ पे कई वाइबर वीडियो ऐसे जो है चाइनीज एप्स मिल जाएंगे। अगर बात करें इनके अल्टरनेटिव्स के बारे में तो आप सभी यहाँ पे काइनमास्टर ऐप को यूज कर सकते हैं जो कि एक इंडियन ऐप है और आप इसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं न्यूज कैटेगरी की। तो गाइस न्यूज कैटेगरी में आप सभी को जो है न्यूज डॉग जैसे जो है बहुत ही एप्स चाइनीज देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो है इसकी जगह यहाँ पे डेली हंट यूज कर सकते हैं, दैनिक भास्कर यूज ऐप कर सकते हैं। तो इन एप्स को अगर यूज करेंगे तो आप सभी इंडियन एप्स को यहाँ पे आसानी से यूज कर पाएंगे। सो गाइस बात करते हैं अगर ब्राउजिंग कैटेगरी की, तो यहाँ पे ब्राउजिंग कैटेगरी में आप सभी को कई सारे चाइनीज एप्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे जो मतलब मेन ऐप है वो यहाँ पे यूसी ब्राउजर है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ यूसी ब्राउजर एक अकेला ऐप नहीं है, यूसी ब्राउजर ने अपने ही मतलब यूसी मिनी निकाल चुका है, एक यूसी ब्राउजर फास्ट निकाल चुका है, मतलब 3-4 यूसी ब्राउजर ऐप है। तो यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव के लिए आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यूज कर सकते हैं अपने फोन में, और यहाँ पे कई सारे जियो ब्राउजर यहाँ पे एक आप सभी को इसका अल्टरनेटिव मिल जाता है, तो आप सभी यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अब बात आती है गाइस यहाँ पे अगली कैटेगरी की। तो यहाँ पे अगली कैटेगरी की अगर बात करें तो आप सभी को डिक्शनरी वाला जो है ऐप मिल जाता है, मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन ऐप वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को जो चाइनीज ऐप है यू डिक्शनरी। तो गाइस यू डिक्शनरी एक जो है चाइनीज ऐप है, तो इसके अल्टरनेटिव में आप जो ले सकते हैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का आप यूज कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा ऐप है, और यहाँ पे आप सभी को इस पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऑफिशियल गूगल का ऐप है। तो गाइस यहाँ पे आप बात करते हैं अगर जो है व्हाट्सएप की, तो आप जानते होंगे व्हाट्सएप का मुझे पक्का नहीं है कि चाइनीज ऐप है या नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो
लेकिन तब भी अगर बात करें कि इस व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव की, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं हाइक, गज हाइक एक बहुत बढ़िया इंडियन ऐप है। अगर आप बात करें यहाँ पे जो हाइक ऐप की, तो यहाँ पे आप सभी ने कभी ना कभी तो हाइक ऐप यूज ही किया होगा, जब तक जानते हैं उस पर क्वालिटी कितनी अच्छी आती है, और यहाँ पे इसके स्टिकर वगैरह भी जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिनके बारे में मैं बताना भूल सकता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको एक बार जरूर से याद कर लेना। सो गाइस अगर बात करें म्यूजिक कैटेगरी की, तो आप सभी को जो चाइनीज ऐप देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे किसी चाइनीज ऐप का याद नहीं आ रहा है म्यूजिक कैटेगरी में, लेकिन आप सभी को अगर इंडियन म्यूजिक अल्टरनेटिव बताएं तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जो जियो सावन का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है हंगामा ऐप का यूज कर सकते हैं, कई सारे आप सभी को यहाँ पे इंडियन अल्टरनेटिव ऐप्स आप सभी को इससे मिल जाएंगे। तो गाइस अगर अगली कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ पे आप सभी को कई सारे ऐप्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी के। तो गाइस यहाँ पे इसके लिए आप बायजू वगैरह ऐप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐप्स मैंने आप सभी को इस वीडियो में बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इन ऐप्स का बैकआउट नहीं किया तो जरूर से कर लेना। आप सभी यहाँ पे इंडिया में रहते हो यार, इंडिया को सपोर्ट करो, क्यों चाइनीज ऐप्स को यूज करो जब अपने इंडिया में इतने सारे ऐप्स हैं। एक बार जो है प्ले स्टोर पे जाके देखो, वहाँ पे कई सारे आप सभी को इंडियन ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में भी बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो मैं जो है अगली भी इसकी एक सीरीज लाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे मैं कई सारे जो है अल्टरनेटिव ऐप की बात करने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में अगर आपको बिल्कुल भी मजा आया हो, तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस अगर आपने मुझे अभी तक जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।